आज मैं बनाने जा रही हूँ बादाम का हलवा, जो बहुत ही स्वादिष्ट होता है। इसे शादी ब्याह के अवसर पर बनाया जाता है और इसे आप त्योहारों में भी बना के खा सकते हैं। ये काफी पौष्टिक भी होता है और कमजोरी को भी दूर भगाता है। तो देखिए कैसे बनता है बादाम का हलवा। तो चलिए देखते हैं बादाम के हलवे के लिए हमें क्या क्या चाहिए। तो सबसे पहले चाहिए हमें 1 कटोरी बादाम, 1/4 कटोरी काजू, चीनी, 1 ग्लास दूध, इलायची, और सजावट के लिए भी काजू चाहिए, नारियल, घी। तो बादाम और काजू को मैंने भिंगो के रख लिया है, आप देख सकते हैं। अब इसको हम ग्राइंड करेंगे। और घी को कढ़ाई में डालेंगे, तब तक ये गरम होगा। मैंने काजू और बादाम को दरदरा पीस लिया है, अब हम इसे घी में डालेंगे। घी जब थोड़ा गरम हो जाए अच्छे से, तब हम इसे घी में डालना है। अब हम इस पेस्ट को डालेंगे। घी हमारा गरम हो चुका है, अब इसे लगातार हम चलाते हुए तब तक पकाएंगे जब तक ये थोड़ा ब्राउन ना होने लगे। हमारा बादाम का हलवा थोड़ा भून चुका है, अब इसमें हम थोड़ा दूध डालेंगे। दूध मैंने मलाई सहित लिया है ताकि इसमें थोड़ा खोआ का फ्लेवर आए। इसके साथ ही हम शक्कर डालेंगे। शक्कर आप अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए, मुझे थोड़ा ज़्यादा लग रहा है उसके बाद, इसलिए मैं सारा नहीं डाल रही हूँ, थोड़ा सा मैंने बचा लिया है। और इसको मिलाएंगे और पकने देंगे। आप देख सकते हैं कि दूध हमारा पूरा पक चुका है और हलवा लगभग इसमें सारा दूध सूख गया है। तो अब इसे चलाते हुए हमें तब तक पकाना है जब इसमें घी ना छोड़े। मुझे लगभग 15 मिनट हो चुके हैं इसको लगातार चलाते हुए, बस इसमें घी छोड़ने की देरी है और हलवा रेडी हो जाएगा। तो घी छोड़ने तक हम थोड़ा इंतज़ार करेंगे। आप देख सकते हैं कि हलवे में से अब घी छूट चुका है। उस वक्त मैं खोए को दिखाना भूल गई थी, मैंने इसमें 1/2 कटोरी खोया डाला है जो बिल्कुल ही ऑप्शनल है। और इसमें अब सारे ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे हम। मैंने इसमें काजू और नारियल डाला है, अब इन दोनों को चला के भून लेंगे। खोया डाल के अच्छे से चला लेंगे और इसको थोड़ी देर तक भूनने देंगे। और अब इसमें हम इलायची पाउडर डालेंगे। हलवा हमारा भून के रेडी हो चुका है, अब इसमें इलायची पाउडर डालेंगे और गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। मैंने इलायची पाउडर डाल दिया है, अब इसको मिला लेंगे। मैंने अभी कूट के इलायची पाउडर डाला है, अब इसे सर्व करेंगे। थोड़ी देर कढ़ाई में इसे ठंडा होने दें, उसके बाद सर्व कर लें। लीजिए हमारा बादाम का हलवा तैयार हो गया। इसे मैंने काजू से सजाया है।